30,000 तनख्वाह है, 9 कटेंगे 21 मिलेंगे, तो तनख्वाह 21 ही तो रही भाई, वही 9 काट के ही तो आगे 11 लाख 12 लाख बनेंगे। तो 10वीं पढ़ने के बाद ही नौकरी जल्दी से मिल जाएगी ना आपके बच्चे को? जल्दी से मिल जाएंगे तो फिर पहली जो हमारी चली आ रही का बात है तो कमजोर रही बात ना, पिल्सन है 10वीं पढ़ाई है, नौकरी मिल जाएगी तो 4 साल के लिए तो मिलेगी, 4 साल में फिर अपनो घर ही तो आ जाएगा, पिल्सन हुआ है ना। सरकार कह रही है कि 4 साल के बाद में 25% जो बचेंगे उनको फिर से मौका मिलेगा। 25% जो लेंगे तो गे अपने वो हिसाब से लेंगे, आम आदमी तो लेंगे ना, वो जिनके बालक वामे जिनके वो है उन्हीं बाल कर लेंगे, आम आदमी तो लेंगे ना गे, आम आदमी तो रह जाएगा। कानून को होनी चाहिए जो आम आदमी को फायदा दे, आम आदमी फायदा न मिले आपको। 4 साल नौकरी करेंगे घर आएंगे तो पुलिस में जा सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं ना, वो फिर पुलिस में क्या परसेंट है? 10% ले जाएंगे फिर से, 10% चलो पुलिस में ले जाएंगे। खैर कुल मिला के ज्यादा बढ़िया कानून के ना, या तो जो बालक है वो संतुष्ट ना, कानून कानून को होनी चाहिए जाते सब संतुष्ट हो। फिर राशन बारे वोट दे रहे हैं, ऐसे लोग वोट दे रहे हैं, आम जनता को वोट ना मिल लो, किसान अब ना वोट देगो। किसान मोदी सरकार ने 3-3 पीढ़ी इनके जो खेत है ना बड़े बूढ़न के वो तो ले लिए, मोदी सरकार का बढ़िया काम कर रही है बताओ? योगी जी कुछ ना कर रहे हैं, कहा है वो अपनी पेंशन में जो ना तोड़ रहे, अपनी तनख्वाह में जो ना कम कर रहे, अपनी तनख्वाह में जो ना कम कर रहे, किसान में तो पेंशन की तो पैसा ना है और तनख्वाह को वैसे खर्चन को इनपे पैसा है, मंदिर मस्जिद पे ये वोट और काय पे इन पे रहे गो, जनता इससे खुश है ना? जनता खुश तो ना, जनता ही तो मजबूरी बन जा कछु, जनता में खुश ना ज्यादा पर ही तो चलेगा भाई कष्ट ना। और स्कीम तो कहाँ बढ़िया, 3 साल में तैयारी हो एक बालक की, 4 साल की नौकरी है, जब 3 साल में तैयारी हो एक बालक तैयार करो तुम तो 4 साल की नौकरी कहाँ है कछु ना बता, रिटायर के बाद में लगे तो 3 साल तो तैयारी में लग गए, 4 साल की नौकरी है कहे तो है जाएगा बालक तैयार, फिर 25% लेंगे, 75% घर को भेज देंगे, बेरोजगारी फैलेगी, आतंक फैलेगा। आतंक की बात क्यों करते हो आप? अरे वो फैलेगा नौकरी मिलेगी रोजगारी न मिलेगी तो पुलिस ही तो करवाएगी आतंक, जब पुलिस में दे दांगे लेकर लेकर के मैट्रीन तेरवामते हाँ उनमें दे दांगे लेकर के देशभक्ति 4 साल में है रही है, चाहे 16 साल में 17 साल में हो देशभक्ति, 4 साल में जो ना पता पर कहा होगा बालक है, फिर क्या करेगा वहाँ जब लेकर देंगे 75% है तो वहाँ क्या करेगा बालक? युवा तो आए पंचायत में, सब बुजुर्ग हैं आप जैसे। अब ये बात जो ना आएगा वो जेल में ये बात ना, डर तो ना आए। हाँ कम मिलेगा वोट, मिलेगा दर्द पर कम मिलेगा बहुत। मेरा नाम गंगाराम है। गंगाराम जी कौन से गांव से आए हो आप? स्यारोल से। स्यारोल से आज युवा पंचायत है यहाँ पे, अग्निवीर जो स्कीम लेकर आई अग्निपथ मोदी सरकार, तो क्या लग रहा है स्कीम में क्या खामी दिखाई देती है आपको? या में खामी ये है कि जो बालक इतनी बड़ी तैयारी करे और 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी, बाकी फिर 4 साल में का भलो हो गए? नौकरी तो मिलेगी ना 4 साल के लिए सरकारी? हाँ 4 साल के लिए मिलेगी, मिलनी चाहिए 17 साल के लिए मिलेगी, 4 साल के लिए भाई वहाँ तैयारी करी 17 साल के लिए और नौकरी मिले 4 साल के लिए तो वहाँ घाटो ही घाटो है बालक है। 4 साल के बाद में रिटायर होगा अग्निवीर, उसको तो वो मिलेगा तमगा मिलेगा अग्निवीर का, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 11 लाख रुपए भी तो मिलेंगे फिर? वो तो याई में लगेंगे, याई में या तनख्वाह में थे काट कूट के वो अलग कर दिए, तनख्वाह कितनी आएगी 4 साल में? सरकार के जो नुमाइंदे हैं बीजेपी के जो नेता हैं वे कह रहे हैं कि अच्छी स्कीम है ये, इसमें आइए, जो विरोध कर रहा है वो मत आइए, जो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी के साथ में ना, वो तो जो किसान पे ये कानून लाए वो भी बड़ाई करे और जब वो बगदाए तो खुद गलती मानी,
ऐसा हो या ना हो भाई, किसान पे जो कानून लाएंगे वो आएंगे अच्छो बतावे, बहुत बड़ाई करे, और जब इन्हें बगदानों पर बहुमत के आगे तो फिर माफी मांगी उन्हें, कहीं हम समझ या कानून समझ ना पाए तो अब बहुमत ना बन, बहुमत बन जाए तो कानून फेल है सके। लेकिन किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया था, युवा कहीं नजर नहीं आ रहे विरोध करते हुए। अब युवा तो आज नजर ना आ रहे, युवा की तो बुद्धि खराब है रही है, बुजुर्ग आए केवल पंचायत में, आज बुजुर्ग ही आ रहे, और जब के आनो चाहिए युवा ने, ये आपकी सही है, आपके कहने में नहीं है क्या आपके बच्चे ना, कहने में का वो अब काम को टेम चल लो, वो खेत में काम करे या यहाँ हमें। लेकिन सरकार ने इसमें आवेदन का मौका दे दिया है, युवा फार्म भरते जा रहे हैं, वो तो कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं अंकल जी इस पूरी स्कीम का? देखो वो ना, वो तो विरोध नहीं ना कर रहे हैं कि उन्हें 4 साल जब बड़ी नौकरी ना, 4 घूमले, 4 की सही बात है, थल हुआ रह थे 4 को तैयार है होने पर रो हरे भाई उन्हें के सूनी साड़ते तो मरखनू ही अच्छो है भाई, सूनी साड़ते मरखनू अच्छो पहले थे बताया करें तो 4 घूमले, 4 की सही जाए, नौकरी ना मिल रही 4 को मिल जाए तो तैयार हो गो, तो इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं वो, या नहीं है विरोध ना कर रहे, विरोध करो तो विरोध को इनने उन पे तो तरीका ना आए, लड़का ने जो विरोध करो वो तरीका से विपरीत चले, कोई नेता नहीं है कोई उनका, उनको नेता ना हो तरीका से विपरीत चले, उनको दमन कर दिया गया तो अब आगे बालगन की हिम्मत ना है। जो भारतीय किसान यूनियन है, बहुत सारे संगठन है किसानों के, वो ये कह रहे हैं कि हम उनका नेतृत्व करेंगे, उनकी लीडरशिप हम करेंगे युवाओं की। अब लीडरशिप कहाँ से करेंगे जब जेल चलेंगे भाई, सब तो ना गए भय तो सब है गई, वक्त लाए तो यार सरकार है युवा ये, पर ये देखो साफ सी बात है के पांडवन में, पांचों पांडवन में और 100 कौरवन में सबसे प्रिय भीष्म जी है अर्जुन ही, और अर्जुन नहीं से सही सुरसैया पे सुहाई को, तो युवा ही तो यार सरकार है लाए, और युवान की प्यारी, और युवान पे इनकी तलवार, युवान पे इनकी सबसे पहले तलवार चली है। युवा तो खुश है, हिंदू मुस्लिम के मामले चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के वोट ले रहे हैं, अगर ये हिंदू मुस्लिम खत्म कर दे तो गे अब गई हो जाए, अगर हिंदू मुस्लिम, युवा कहते हैं कि मुस्लिम फिट कर दिया मोदी सरकार ने, युवा मुस्लिम फिट ना हो बताओ कितने है गे, मुसलमान के विपक्ष में कोई कानून के लाए हो तो वो एक आध कानून बता दो। देखो सबसे ज्यादा असर पड़ता मुसलमान पे कि ये जनसंख्या पे परिवार नियोजन लाम थे, परिवार नियोजन थे उन पर असर पड़ते, उनकी जनसंख्या पे असर पड़ते, उनको सबसे बड़ो दे जनसंख्या बढ़ावे वहाँ ये कंधा रहे तो उनको नुकसान कहा कर रहे हैं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है ना प्रयास का, जैसे किसान पे सैर देना ले आई बिल, जवानन पे सैर देना ले आई बिल, या तो इन्हें परवा नियोजन पे लाना चाहिए, परवा नियोजन पे आई तो लाना चाहिए, वह तो हिंदू खुश होंगे और दोनों उनके लिए एक बात होगी। ताऊ जी बड़ा मोटा वोट मिलता है बीजेपी को, मोदी को, युवाओं का, अब यहाँ त्याग न मिले क्या गारंटी है? अब जब उनके विपक्ष में काम करेंगे फिर काय मिलेगा? आप पंचायत कर रहे हैं आज युवाओं की, युवा तो नजर नहीं आ रहे, सारे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, युवा खेत में काम कर रहे हैं, युवा खेत में काम, देखो युवा खेत में काम न करे तो फिर कहाँ काम कैसे चलेगा भाई, बड़े हम तो ठलुआ हैं, खेत में काम हम पे होना है तो हमें तो आनो, और युवा कर रहे हैं खेत में काम, अब युवा आ जाते खेत कौन करता लेन चाहिए, अब नले सरकार की तो मर्जी है, लेकिन किसान विरोधी है, किसान के ही बच्चे ज्यादातर फौज में जाएं, देश की रक्षा करें, किसान यहाँ कमाए के देश को पालन करें, किसान विरोधी बिल पहले लाए क्यों, किसान विरोधी यही बालकन को अग्निपथ जो लाए का है, तो अब ये सरकार ले न ले ये तो सरकार की मर्जी है, दांगाशाही सरकार की बात है, उनकी सरकार है माननी चाहिए जनता की आवाज। देखो वापस तो यूँ ना करेगी के बड़ी ताना सा सरकार, इतनों जैसो किसान को बहुमत बने हो इतनों बहुमत ना बनेगो,
पर इतना तो सरकार करना चाहिए कि जो बालक अरेस्ट करे वो तो छोड़ देने चाहिए। सरकार जो हो है एक माँ बाप की जगह पे हो है। और बालक कोई उद्दंड है जाए तो वहाँ को मतलब ये ना है कि वक्त जिंदगी बिगाड़ते हो। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं देश में मोदी जी? हाँ तो ये सरकार को काम ना है कि जो नए बालक है उन्हें कोई उद्दंडता कर दी तो वहाँ कोई मतलब थोड़ा हुए कि उनकी जिंदगी बिगाड़ते हो। भाई उन्हें समझाओ लाइन पे लाओ, पर उनकी जिंदगी नहीं बिगाड़नी चाहिए। कोई सरकार तो उनकी जिंदगी बिगाड़ रही है।